दोस्तों आज हम बात करेंगे बंगाल की प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में। पहली पत्रिका है वामाबोधिनी पत्रिका और दूसरा है हिंदू पैट्रिया। वामाबोधिनी पत्रिका, इसका प्रकाशन 1863 ईस्वी में उमेश चंद्र दत्त ने किया था और इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य था बंगाल की महिलाओं को शिक्षित करना और जागरूक करना। और सही अर्थों में इस पत्रिका ने बंगाल की महिलाओं को शिक्षित और जागरूक करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। दूसरा है हिंदू पैट्रिया। इस पत्रिका का संपादन कार्य मधुसूदन राय और गिरिचंद घोष के देखरेख में हुई थी। यह पत्रिका मुख्य रूप से अंग्रेजी सरकार की गलतियों को उजागर करती थी और जो किसान या जो मजदूर नील की खेती करते थे उनके ऊपर जो अत्याचार होता था उसका उजागर भी यह पत्रिका करती थी। इन दोनों पत्रिकाओं ने बंगाल में बदलाव लाने में, लोगों को जागृत करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक दें, कमेंट दें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।